चले सो मानवा बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताका मता आगाध। वही आपने लिखा है, हद टपे सो बोलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों टपे ताका नाम कबीर। एक ही है आदमी लगातार रहता है वर्जनाओं में, सीमाओं में। ये आपका साधारण मानव है, गृहस्थ, जो आपकी अधिकांश जनसंख्या है। हद चले सो मानवा, वो अपनी हदों में कैद रहता है हमेशा। उसके लिए जीवन का मतलब ही है सीमाएं, उसके शरीर की सीमाएं, मन की सीमाएं, समाज की सीमाएं, समय की सीमाएं। हद चले सो मानवा, ध्यान से देखेंगे जब तो दिखाई देगा कि हमारे लिए जीवन का और कोई अर्थ है ही नहीं सीमाओं के अलावा। आप जो कुछ भी कहेंगे वो सीमित ही होगा। आप जीवन को जो भी अर्थ देंगे वो अर्थ ही इसीलिए है क्योंकि उसकी एक सीमा खींची हुई है। सीमा हटा दीजिए, अर्थ खत्म हो जाएगा। आपसे पूछिए जीवन किस लिए है, आप कहेंगे मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए। परिवार क्या है एक सीमा के अलावा? घर क्या है दीवालों के अलावा? सीमाओं को हटाते चलिए, जीवन अर्थहीन होता जाएगा। जहाँ तक साधारण मानव की बात है, हद चले सो मानवा। दुख की सी बात है कि जीवन का अर्थ सिर्फ सीमा रेखा बन के रह गया है। फिर कहते हैं बेहद चले सो साध। साधु वो जिसने सीमाओं का त्याग कर दिया, जो समाज की दी हुई बंदिशों को नहीं मानता। पर देखेंगे अगर हम ध्यान से तो साधु अक्सर अपनी एक अलग दुनिया बना लेता है। तो एक दुनिया तो हुई गृहस्थ की, साधु ने बात बिल्कुल ठीक पकड़ी कि ये दुनिया तो सीमाओं की दुनिया है। उसने बिल्कुल ठीक कहा, ये दुनिया छोड़नी है। लेकिन ये छोड़ के उसने क्या किया? उसने एक नई दुनिया बना दी। उसने कहा ये भौतिक जगत है, इसको छोड़ना है। उसने एक नया ही जगत बना दिया जिसको नाम दे दिया आध्यात्मिक जगत। ध्यान दीजिएगा, आध्यात्मिक परंतु जगत। तो कहाँ गए तुम जगत से बाहर? कहाँ गए तुम जगत से बाहर? एक गृहस्थ है, उसकी अपनी दिनचर्या है, उसकी अपनी बंदिशें हैं, उसकी अपनी समयबद्धता है। और आप साधुओं को देखिए तो वहां भी यही सब हो रहा होता है। एक खास पोशाक है जो पहननी है, जैसे आपकी एक पोशाक होती है ऐसी उनकी भी है। कुछ खास नियम कायदे हैं जिनका पालन करना है, जैसे आपके अपने नियम कायदे हैं वैसे उनके अपने नियम कायदे हैं। आपके पास घर है, उनके पास आश्रम है। तो ये कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि सीमाओं का परित्याग कर दिया गया है। ये बस इतना ही किया गया है कि इन सीमाओं को छोड़ करके दूसरी सीमाएं खींच ली गई हैं। ऐसा नहीं हुआ है कि जगत के परे चले गए हो। बस इतना ही हुआ है कि ये जगत रास नहीं आया तो एक दूसरा जगत बना लिया है। इन्हीं को लेकर के कबीर ने बड़ा मजाक करा है कि घर को तज कर बन गए और बन तज बस्ती माही। और दूसरी पंक्ति कुछ इस तरीके से है कि मन का क्या करें,
जो मन ठहरत नाही। घर को छोड़ करके बन जाते हो और फिर जब बन भारी पड़ता है तो फिर वापस बस्ती में आ जाते हो, भागते ही फिर रहे हो। तलाश तुम्हें अभी भी किसी दुनिया की ही है, उम्मीद कायम है। सोच यही रहे हो कि यहीं पर कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे छुटकारा मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। इस अर्थ में तुम गृहस्थ से बहुत अलग नहीं हो। उठे तो, समाज से उठे तो, पर कहीं ना कहीं अपनी सामाजिकता को साथ लेकर के आ गए, पूरी तरह नहीं उठ पाए। तो कबीर कह रहे हैं, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। जिन हदों को साधारण मानव पकड़ के बैठता है, साधु उन हदों को छोड़ देता है पर दूसरी हदें अख्तियार कर लेता है। हद बेहद दोनों तजे ताका मता आगाध। कबीर कह रहे हैं कि हम तो ऐसे हैं जिसने हद भी छोड़ दी और हदों को छोड़ना भी छोड़ दिया, हदों का भी त्याग कर दिया और हदों के त्याग का भी त्याग कर दिया। हमें इस दुनिया को छोड़कर कहीं भागना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि भागने का कृत्य ही दुनिया है। हमें किसी और जगह नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता है कि जगह को मान्यता देने का नाम ही दुनिया है। हम जहां हैं वहीं ठीक हैं, हम जहां हैं हमने वहीं पर सत्य को देख लिया है, पा लिया है। कुछ नहीं वर्जित है हमारे लिए, कुछ छोड़ना नहीं है। हद बेहद दोनों तजे ताका मता आगाध। वो मन अति गहरा है, उसकी था ही नहीं मिलेगी। वो परम से मिला हुआ मन है जिसने हद और बेहद दोनों को ही छोड़ दिया है, जिसने छोड़ने को ही छोड़ दिया है, जिसे न पाने से मतलब है ना छोड़ने से मतलब है। जो ये तो कहता ही नहीं है कि मुझे भोगने में बहुत उत्सुकता है, वो ये भी नहीं कहता कि मुझे भागने में उत्सुकता है। मौका मिलेगा तो भोग भी लेगा, जैसा काल जैसी स्थिति, राम जैसा रखे वो वैसा चलेगा। ऐसा आदमी किसी भी तरीके से कल्पित नहीं हो सकता। आप चाहो कि किसी तरीके से उसका एक खाका खींच लो, उसके बारे में कोई धारणा बना लो, आप नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे। गृहस्थ का खाका खींचना बहुत आसान है। आपसे कहा जाए कि गृहस्थ पर एक लेख लिखो, निबंध लिखो, आप तुरंत लिख दोगे, क्योंकि गृहस्थ की कुछ पहचान होती है, गृहस्थ के कुछ ढंग होते हैं, बंधे हुए तरीके होते हैं, हदें होती हैं। हद चले सो मानवा, आप बता दोगे। इसी कारण आप पहले से ये भी बता सकते हो कि अमुक स्थिति में गृहस्थ का, सामाजिक आदमी का व्यवहार क्या होगा, वो क्या सोचेगा और क्या करेगा, ये बातें पूर्व निर्धारित की जा सकती हैं। साधु भी कैसा चलेगा आप ये भी बता सकते हो, आप उसका खाका भी खींच सकते हो, आप
उसका भी पूर्वानुमान लगा सकते हो कि यदि ऐसा बोला गया तो साधु का उत्तर क्या आएगा, यदि यह स्थिति हो तो साधु का कर्म क्या होगा। अगर आप साधुओं को भली भांति जानते हो तो आप पूर्वानुमान लगा लोगे कि मैं ये बोलूंगा तो ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन जो तीसरा आदमी है जिसने हद बेहद दोनों का त्याग कर दिया है, आप इसके सामने असहाय हो जाओगे, आप इसके बारे में दो अक्षर नहीं कह सकते, छोड़ो लेख लिखना, छोड़ो निबंध बोलना, क्योंकि ये आपकी कल्पना से बाहर की बात है, ये किसी ढांचे में बैठता ही नहीं है, ना हद के ढांचे में बैठता है, ना बेहद के ढांचे में बैठता है। आप इसके बारे में कुछ भी बोलोगे कैसे, ये पूरे तरीके से अकल्पनीय है, इनकंसीवेबल है। ये बार बार आपकी धारणाओं को तोड़ेगा, आप इसके विषय में जो भी सोच के बैठे होगे, हर दो दिन बाद आपको पता चलेगा वो टूटा। और चूंकि इसका कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता, इसीलिए ये आपकी पकड़ में भी नहीं आएगा, आप कभी इसके मालिक नहीं बन पाओगे। मालिक बनने के लिए जिस पर मालकियत कर रहे हो उसकी थोड़ी समझ होनी चाहिए। आप जिसका कुछ पता ही नहीं कर सकते उसको कैद कैसे करोगे, उस पर हुक्म कैसे चलाओगे। हुक्म चलाने के लिए भी पहले ये आश्वासन तो होना चाहिए ना कि मैं जो हुक्म दूंगा उसका फलाने तरीके से पालन होगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप हुक्म दोगे तो उधर से उत्तर क्या आएगा। वो एक पूरे तरीके से अज्ञात वस्तु है जिसको जाना ही नहीं जा सकता। ताका मता अगाध, अगाध है, अगाध, जान ही नहीं सकते। एक ही तरीका है उसको जानने का, बस। और फिर जानने की कोई इच्छा ही शेष नहीं रहेगी, डिटेल्स तो फिर भी नहीं जान सकते, तब भी नहीं। पर जब वैसे हो गए तो फिर आप डिटेल्स में चलते ही नहीं हो ना, आप जिंदा ही नहीं हो डिटेल्स में। और आपकी उत्सुकता भी जाती रहेगी चिंदी चिंदी जानकारी इकट्ठा करने की, आपकी सारी उत्सुकता खत्म होती रहेगी, आप जानना ही नहीं चाहोगे। फिर तो वैसे ही है कि जैसे एक बड़ी नदी दूसरी बड़ी नदी में आकर के मिल गई है, वहां कौन सी बूंद किससे टकराई क्या फर्क पड़ता है, एक हो गए ना बात खत्म। बेहद को तजना पता नहीं अभी कितनी दूर की बात है, पर कबीर इतना तो स्पष्टतया कह ही रहे हैं कि हदों को तजें, देखें कि कहां पर आपने अपने लिए हदें सीमाएं खींच रखी हैं। जहां कहीं भी हदें खींच रखी हैं वहीं आपका दुख है। जहां कहीं भी आपने सीमाएं खींच रखी हैं ठीक वहीं पर आपका दुख बैठा हुआ है। बेहद को भी तजने की बात की गई। बेहद का अर्थ ये है कि जिसको आप बेहद बोल रहे हो वो एक नए प्रकार की हद है, तो भूल में मत आ जाना। तुमने सोचा ही है कि तुमने सीमाओं का त्याग कर दिया, तुमने सीमाओं का त्याग नहीं करा है, तुमने अपने लिए नई सीमाएं बना ली हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि सीमाओं को त्यागो पर माया से सावधान रहो, क्योंकि त्याग ही एक नई सीमा बन जाएगा। मैं कौन हूं,
त्यागने वाला, तो तुमने सीमा बना ली ना अपने लिए। जी सही है, तो त्यागने वाले को त्यागी बन जाते हैं, उनका भी एक समूह बन जाता है, त्यागने वालों का एक समूह बनी है। तो जब कह रहे हैं कबीर की हद और बेहद दोनों को तजो, तो वो वस्तुतः हदों को ही त्यागने की बात कर रहे हैं। ये जो बेहद है, बेहद का अर्थ यही है कि जिन्होंने भी आज तक दावा किया कि हम सीमातीत हो गए हैं, हम हदों के पार चले गए हैं, वो हदों के पार नहीं गए थे, उन्होंने बस नई हदें बना ली थीं। तो कबीर सावधान रहने के लिए कह रहे हैं, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश, वो ऐसे ठगेगी तुमको, तुम नई सीमाएं बना लोगे।